हेलो नमस्कार सत श्री अकाल, मैं विशाल त्रिपाठी, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सो दिस इज द टाइम व्हेन यू वॉक, दिस इज द टाइम व्हेन यू रन, दिस इज द टाइम व्हेन यू डू द एक्सरसाइज एंड दिस इज द प्रायोरिटी। हेल्थ शुड बी द प्रायोरिटी, द फिटनेस शुड बी द प्रायोरिटी ऑलवेज। डजंट मैटर वॉट एवर द एज इज, बट यू शुड कीप द हेल्थ एंड द फिटनेस एट द प्रायोरिटी ऑलवेज। सुबह का समय, ठंडी सी हवा, हल्की हल्की हवा, इट्स अ गुड टाइम व्हेन यू वॉक। रूटीन काफी टफ होता है, बट स्टिल वी हैव टू ड्रॉ सम टाइम अपने लिए, अपनी फिटनेस के लिए और नेचर के लिए। इफ यू वॉन्ट टू गेट क्लोज टू द नेचर, यू शुड वॉक इन द मॉर्निंग। तो सी, दिस इज द व्यू। आजकल जिम नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट टू गेट इंडल्ज विद द नेचर टू प्योर ऑक्सीजन का अनुभव। और काफ़ी लोग, इवन कि मैंने देखा है कि जो सीनियर सिटीजन हैं, ज़्यादातर वही हैं, एज फ्रॉम 40 टिल लाइक 60-65, दे कीप वॉकिंग। सो कभी भी फिटनेस को मजबूरी में प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए, फिटनेस को प्रायोरिटी हमेशा देनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप रनिंग करें, ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत एक्सरसाइज करें, ज़रूरी नहीं है कि आपको सारी एक्सरसाइजेज आती हों, ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ कोई हो। हमेशा से मैं अपने लिए खुद मोटिवेट रहा, इट्स अ सेल्फ मोटिवेटेड जर्नी फॉर मी एंड इट्स ऑल नेचुरल। आई हैव नेवर टेकन एनी काइंड ऑफ सप्लीमेंट एंड व्हेन इट इज़ नेचुरल सो यू आर सेफ, देयर इज़ नो रिस्क। आपके लिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप सब कुछ नेचुरल रखें, बिकॉज व्हेन यू गो टू जिम द लॉट्स ऑफ पीपल्स दे विल रिकमेंड यू अ काइंड ऑफ प्रोटीन्स, काइंड ऑफ सप्लीमेंट। एंड ये एक्चुअली होता किस लिए है, क्योंकि आप और हम और आप भी चाहते हैं कि हाँ, कि वी शुड गेट फिट बहुत जल्दी, मीन विद इन टाइम लाइक विद इन शॉर्ट टाइम। सो एवरीबॉडी वॉन्ट्स टू गेट फिट इन क्विक टाइम। सो ये जो शॉर्टकट्स होते हैं, शॉर्टकट्स विल नेवर वर्क फॉर यू, ठीक है। और डजेंट मैटर क्या शेड्यूल है, लाइक फॉर मी आई वर्क इन आईटी सिंस फ्रॉम 12 ईयर्स। मेरा जो शेड्यूल है, इट्स टोटली बिन डिफरेंट फ्रॉम वॉट यू गाइज हैव। सो फॉर द होल नाइट आई हैव टू वर्क, बट स्टिल आई एम स्टिक टू माई प्लान्स। आई वर्क अप इन द मॉर्निंग, आई मीन नॉर्मली तो मैं सोता ही नहीं हूँ, तो सुबेरे हार्डली लाइक 5 o'clock मेरी शिफ्ट ओवर होती है मॉर्निंग में, और उसके बाद फिर मैं निकल जाता हूँ फॉर द वॉक और फॉर द जिम। बहुत टफ होता है रूटीन में से हट के कुछ काम करना, सबके लिए, आपके लिए, मेरे लिए, हम सभी के लिए बहुत टफ होता है। बट हाँ, स्टिल अगर थोड़ा बहुत भी फिटनेस पे ध्यान देते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको इसका कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर मिलता है। और ये फ़ायदे, इट्स नॉट इन द मॉनेटरी टर्म्स में बात नहीं कर रहा हूँ कि मॉनेटरी बेनिफिट्स कुछ होंगे आपके कि हाँ, लाइक मनी वाइज, इकोनॉमिकली, बट हेल्थ वाइज ये लॉन्ग टर्म के फ़ायदे हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए। आप जब एक उम्र का पड़ाव पार करते हैं, तब आपकी समझ में आता है कि हाँ यार, शायद मुझे भी कुछ चीज़ें सुधारनी चाहिए थी। हर साल हम लोग कुछ ना कुछ सोचते हैं कि कुछ ना कुछ नया करेंगे, कभी कुछ ओकेजन होता है तो सोचते हैं, कभी कुछ मूवीज़ देखते हैं तो मोटिवेट होते हैं, कभी कुछ बुक्स पढ़ते हैं तो मोटिवेट होते हैं, कुछ इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ देखते हैं तो मोटिवेट होते हैं। बट हाँ, हमको हमेशा हर दिन कुछ ना कुछ नया करने की सोचना चाहिए। और लाइक आई सेड ऑलवेज दैट ऑलवेज बी पॉजिटिव, कीप स्माइलिंग, कीप स्प्रेडिंग जॉय। लाइक हमेशा आपके अगल बगल जो भी लोग हैं, उनके साथ बातचीत करिए अच्छे से, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बिकॉज अगर आपकी मस्ती जिंदा है तो आपकी हस्ती जिंदा है, अदरवाइज आप कहीं ना कहीं ज़बरदस्ती जिंदा हैं। सो विश यू गुड लक, विश यू ऑल द वेरी गुड लक, एंड तब तक के लिए फिर मिलेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, वी विल मीट इन अनदर ब्लॉग। नमस्कार, जय हिंद, गुड डे।